सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। आज का प्रसंग है वनगमन पूर्व राम के द्वारा दान। बड़े भाई राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ को अपने साथ ले आए। राम और सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वर्ण कुंडल, बाजूबंद, कड़े, मालाएं तथा रत्न जटिल अन्य आभूषणों को उन्हें देते हुए कहा, हे मित्र, जनक नंदिनी सीता भी मेरे साथ वन को जा रही हैं, इसलिए वे अपने कंकण, मुक्तमाला, किंकणी, हीरे मोती, रत्नादि समस्त आभूषण आपकी पत्नी को दान करना चाहती हैं। आप इन आभूषणों को सीता की ओर से उन्हें आदर तथा नम्रता के साथ समर्पित कर देना। मेरी यह स्वर्ण जटिल शैया अब मेरे लिए किसी काम की नहीं है, अतः इसे भी आप ले जाइए। मेरे मामा ने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे यह हाथी दिया था, इसे भी सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ आप स्वीकार करें। राम की वनगमन के विषय में ज्ञात होने पर सुयज्ञ के नेत्रों में अश्रु भर आए। सजल नेत्रों के साथ राम के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया, हे राम, तुम चिरंजीवी हो और तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निशंटक और कीर्तिदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर लौटने पर तुम्हें अयोध्या का राज पुनः प्राप्त हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरु पुत्र सुयज्ञ विदा हुए। उसके बाद राम ने अपने सेवकों को, जो कि राम के वनवास से दुखी होकर रो रहे थे, बहुत सारा धन दान में दिया और सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोग यहीं रहकर महाराज माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भरत, शत्रुघ्न एवं अन्य गुरुजनों की तन मन लगाकर सेवा करना। सदैव इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। फिर राम ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता के हाथों से उसे गरीब दुखी तीन दरिद्रों में बंटवा दिया। राम और सीता के द्वारा मुक्त हस्त से दान किए जाने की चर्चा सारे नगर में दावानल की भांति फैल गई। उन दिनों अयोध्या के समीपवर्ती एक ग्राम में गंगोत्री त्रिजटा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उनकी बहुत सी संतानें थीं और वह अत्यंत दरिद्र था। उसे अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करने के लिए अत्यंत कठिनाई होती थी। राम के द्वारा किए जाने वाले दान की चर्चा सुनकर उसकी पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामी, आपको भी ज्ञात हुआ होगा कि अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी अपना सर्वज्ञ दान में वितरित कर रहे हैं। आप भी उनके पास जाकर याचना करें, हमारी निर्धनता और दरिद्रता से तथा आपकी याचना से द्रवित होकर दयालु राम हम पर भी अवश्य दया करेंगे और इस दरिद्रता से हमारा उद्धार कर देंगे। तपस्वी त्रिजटा याचना में रुचि नहीं रखते थे, किंतु पत्नी की बार बार प्रेरित किए जाने पर विवश होकर वे श्री राम के दरबार की ओर चल पड़े। शीघ्र अति शीघ्र राम के समक्ष जा पहुंचे। उनकी तपस्या जनित तेज और ओज प्रभावित राम बोले, हे तपस्वी, हे ब्राह्मण देवता, आपका हृदय तीव्र गति से संबंधित हो रहा है और शुभ्र भाल पर श्वेत कण झलक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़ी दूर से तीव्र गति के साथ चलकर आ रहे हैं। आपकी वेशभूषा आपके धन का अभाव का परिचय देती है, अतः आपने अपने हाथ में जो दंड रखा है उसे आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फेंकिए। यह दंड जहाँ पर जाकर गिरेगा, आपके खड़े होने से उस स्थान तक जितनी गायें खड़ी हो सकेंगी मैं आपको अर्पित कर दूंगा और उन गायों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन जुटा दूंगा। इस आदेश को सुनकर त्रिजटा ने पूरी शक्ति के साथ दंड फेंका। दंड सरयू नदी के दूसरी पार जाकर गिरा। राम ने उसके बल की सराहना की तथा उसे अपने प्रतिज्ञा अनुसार गौएं दान में दी। उनको विदा करने के पूर्ण स्वर्ण मोती मुद्राएं, वस्त्र आदि भी दान में दिए। इस प्रकार अपनी असंख्य धन राशि का दान कर सबको संतुष्ट करने के पश्चात वे सीता और लक्ष्मण के साथ पिता के
दर्शनों के लिए चले गए। साथियों, आज के प्रसंग में हमने जाना वन गमन पूर्व राम के द्वारा दान। अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।